जायसवाल क्लासिक क्लासिक। मैं कहता हूं जनाब जायसवाल ने दीवाना किया हुआ है मुझे और मैं उसके शहर में गिरफ्तार हूं। क्या कमाल की जादूगरी है यार, ही इज अ मैजिशियन, ही इज नॉट अ क्रिकेटर, ही इज एन आर्टिस्ट। क्या कमाल की टाइमिंग है यार। जायसवाल और डुबे ने जो बैटिंग की है ना, बैटिंग की है ना, कमाल हद की है यार, हद कर दिया, आग लगा दी। दिस इज कॉल्ड क्रिकेट, ये क्रिकेट है। इंडिया तो किंगड है मैच का, हर मैच का किंगड है। इंडिया इंडिया के मुकाबले में मुझे नहीं लगता कोई आया अभी तक। पाकिस्तान उधर से हारी जा रही, इंडिया जीती जा रही है, हो गया। अब भाई छोड़ो पाकिस्तान को, हम पाकिस्तान के मैच देखते नहीं, हम देखते इंडिया के मैच, इंडिया के मैच ही देखते। क्या बात, ये बात है। ऐसा लगता था बॉलर आ रहा है और बॉलर छक्का खा रहा है। आज जितनी तारीफ करें उतनी कम होगी जायसवाल और दुबे की। देखें, यकीन करें, हिंदुस्तान को हराना मुश्किल ही नहीं, ऑलमोस्ट नामुमकिन भी हो जाए। इंडिया ने पकड़ के अफगानिस्तान का दूसरे T20 मैच में घंटा के साथ साथ छलकना भी बजा दिया। मतलब क्या बैटिंग की है इंडिया ने। फिर विराट कोहली ने जिस तरह का कैमियो खेला ना भाई, मैं ये चीज कहता हूँ आपको कि विराट कोहली को किसी का अब्बा भी T20 से ड्रॉप नहीं कर सकता। ये बड़ी अच्छी बात कही है। सवाल, जिस अपने पीक पर है ना भाई, वो डिजर्व करता है ओपनिंग करना। आप कैसे रोकोगे उसको? रोक सकोगे तो रोक लो। जी हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल क्रिकेट स्पॉट में स्वागत है। दोस्तों कल भारत ने दूसरा T20 मैच में अफगानिस्तान को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया है। दोस्तों भारत की तरफ से शानदार बल्लेबाजी करते हुए जायसवाल और शुभम दुबे ने पूरी अफगान को घुटने में लाकर खड़ा कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया ने खूब तारीफ करी। यूं तो पाकिस्तानी मीडिया हमेशा भारत की हार पर जश्न मनाती है, लेकिन आज जिस तरह भारत ने अफगानिस्तान को ठोकाए खूब तारीफ करने पर मजबूर हुई। भारत इस वक्त कोई भी क्रिकेट फॉर्मेट हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे T20 हो, चाहे ODI हो, सब में बेहतरीन और नंबर वन है। दोस्तों इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं और हम आपसे बातें करेंगे वीडियो के बाद में। जायसवाल क्लासिक क्लासिक। मैं कहता हूं जनाब जायसवाल ने दीवाना किया हुआ है मुझे और मैं उसके शहर में गिरफ्तार हूं। क्या कमाल की जादूगरी है यार, ही इज अ मैजिशियन, ही इज नॉट अ क्रिकेटर, ही इज एन आर्टिस्ट। क्या कमाल की टाइमिंग है यार, क्या परफेक्ट किस्म की टाइमिंग है इस नौजवान की। और जितनी भी तारीफें करें माशाल्लाह कम है इसकी। मैं कहता हूं अमेजिंग, ओ माय गॉड। रियल मीनिंग्स में आज मैंने जिस तरह की सीमलेस क्रिकेट, जिस तरह की आउटस्टैंडिंग क्रिकेट देखी है इस T20 क्रिकेट में फ्रॉम टीम इंडिया और स्पेशली फ्रॉम दीज टू फ्यूचर स्टार्स ऑफ टीम इंडिया। ऐसा लगता था बॉलर आ रहा है और बॉलर छक्का खा रहा है। नूर आ रहा है, नबी आ रहा है, ये क्या कहते हैं नवीन आ रहा है, फजल अक फारूकी आ रहा है, जो भी आ रहा है वो माशाल्लाह ऐसे मार खा रहा है जैसे सवाब है। बड़ी क्लीन हिटिंग। और रिजवान साहब 2023 से अब तक ये 50+ छक्के मार चुका है T20 में डूबे, और 30+ चौके मार चुका है बैक टू बैक। आज खूबसूरत, आज जितनी तारीफ करें उतनी कम होगी जायसवाल और दुबे की। देखें, जायसवाल T20 या व्हाइट बॉल में और गिल रेड बॉल में। रिजवान साहब अगर आप T20 अकॉर्डिंगली खिलाएं, प्लेयर टू प्लेयर देख लें, तो आप यकीन करें हिंदुस्तान को हराना मुश्किल ही नहीं, ऑलमोस्ट नामुमकिन भी हो जाएगा। सही पकड़े हैं। जायसवाल की बैटिंग और दुबे ने तो लाइक दो दो के पागल ही कर दिए यार। मैं तो कहता हूँ पता नहीं ये इंडिया वाले कर क्या रहे हैं। कभी शिवम दुबे, कभी जायसवाल, कभी विराट कोहली, कभी रोहित शर्मा, ये आगे ऐसी ऐसी बैंड बजा रहे हैं ना, इनकी बिलीव करो अफगानिस्तान वालों की। अफगानिस्तान वाले खुद परेशान हो गया कि हमने पंगा किससे ले लिया यार। जायसवाल और दुबे ने जो बैटिंग की है ना, बैटिंग की है ना, कमाल हद की है यार, हद कर दिया, आग लगा दी। दिस इज कॉल्ड क्रिकेट, ये क्रिकेट है। इंडिया तो किंगड है मैच का, हर मैच का किंगड है। इंडिया इंडिया के मुकाबले में मुझे नहीं लगता कोई आया अभी तक। पाकिस्तान उधर से हारी जा रही, इंडिया जीती जा रही है, हो गया। अब भाई छोड़ो पाकिस्तान को, हम पाकिस्तान के मैच देखते नहीं, हम देखते इंडिया के मैच, इंडिया के मैच ही देखते हैं हम। पाकिस्तान का कौन मैच देखता, पाकिस्तान तो खेलता ही नहीं सही। इंडिया ने पकड़ के अफगानिस्तान का दूसरे T20 मैच में घंटा के साथ साथ छलकना भी बजा दिया। मतलब क्या बैटिंग की है इंडिया ने। फिर विराट कोहली ने जिस तरह का कैमियो खेला ना भाई, मैं ये चीज कहता हूँ आपको कि विराट कोहली को किसी का अब्बा भी T20 से ड्रॉप नहीं कर सकता। विराट कोहली को ड्रॉप करने के लिए तो 3 बार आपको पैदा होकर आना पड़ेगा। विराट कोहली बनने के लिए आपको 3 बार पैदा होकर आना पड़ेगा, फिर भी आप विराट कोहली नहीं बन पाओगे। लेकिन जो बैटिंग की है शिवम दुबे और जो बैटिंग की है जायसवाल ने, मतलब उसने सही मायनों में घंटा बजा दिया पकड़ के। दोस्तों आपने पूरा वीडियो देखा किस तरह पाकिस्तानी मीडिया ने भारत की खूब तारीफ करी। यूं तो पाकिस्तानी मीडिया हमेशा भारत की हार पर जश्न मनाती है, हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भारत से बेहतर बोलता है, लेकिन आज जिस तरह भारत ने अफगानिस्तान को ठोकाए उसके बाद पूरी पाकिस्तानी टीम, पूरी पाकिस्तानी मीडिया, पूरी पाकिस्तानी जनता भारत की खूब तारीफ करने पर मजबूर हुई।
जयसवाल और शुभम दुबे ने पूरी दुनिया को बताया T20 में क्रिकेट किस तरह खेली जाती है। दोस्तों हमें भारतीय होने पर गर्व है क्योंकि हमारी भारत की टीम कोई भी क्रिकेट फॉर्मेट हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे ODI हो, चाहे T20, सब में बेहतरीन और नंबर वन है। साथ ही साथ भारत सिर्फ घर में नहीं सेना कंट्री में जाकर किसी भी बड़ी टीम को, चाहे कोई भी बड़ी टीम हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे साउथ अफ्रीका क्यों ना हो, सबको बुरी तरह हराना जानती है। दोस्तों इसीलिए दुनियाई दिग्गज क्रिकेटर और पूरी दुनिया भारत को मानती है। दोस्तों इस पर आपकी राय क्या है कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद और भारत माता की जय।